हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे LG X Boom RR2 के बारे में और इसके प्रोज और कॉन्स जानने के लिए इस वीडियो को आके देखते रहिए। यहाँ से ये स्पीकर ऑन होगा इस बटन से, और यहाँ पे है माइक के वॉल्यूम का बटन, और यहाँ पे है वोकल के इफेक्ट्स चेंज करने का बटन दे दिया गया यहाँ पे, और यहाँ पे है माइक इको एंड वॉइस कैंसलर बटन, यहाँ पे है की चेंजर एंड लाइटनिंग। लाइटिंग आप देख सकते हैं जो नीचे है, इसको चेंज करने के लिए ये हमारे पास लाइटनिंग के एक मोड आता है वाटर मोड, और दूसरा आएगा हमारे पास फॉरेस्ट मोड, एंड तीसरा ये ऑफ होगी लाइट, और ये है पार्टी मोड। हमारे पास तीन मोड आते हैं, पार्टी मोड, वाटर मोड एंड फॉरेस्ट मोड, और उसके आगे है ये बटन, और ये है फंक्शन की। इसमें हमें FM मिलेगा, ये USB के लिए है, हमारे पास USB पोर्ट दिया गया है यहाँ पे ऊपर, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें तीन पोर्ट दिए गए हैं वो इनपुट के लिए। यहाँ पे USB इनपुट, ये ऑक्सीन है, और ये हमारे लिए माइक के लिए, और यहाँ पे है फंक्शन मोड, और यहाँ से हमें चेंज कर सकते हैं USB कि ऑक्स से इनपुट लेना है, USB से इनपुट लेना है, या फिर हमें ब्लूटूथ से इनपुट देना है। और यहाँ पे है, यहाँ पे आगे ट्रैक आगे करने का और पीछे करने का बटन, यहाँ पे पॉज बटन और प्रीसेट बटन, और यहाँ से हमें हमारे साउंड इफेक्ट चेंज होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हमें साउंड इफेक्ट दिए गए हैं, एक तो रॉक दिया गया है यहाँ पे, रॉक मोड, एक जैज है, और एक स्टैंडर्ड है जो हम सुनते हैं, और ये पॉप है, और एक क्लासिक दिया गया हमें, एक रॉक दिया गया, रॉक जैसे आप पहले देख चुके थे, ये रिपीट हो रहा है। ये हमारा स्पीकर रेडी है, ये एक्चुअली है हमारा स्टोरेज स्पीकर। इसका बैटरी बैकअप जो है वो हमें 15 आवर का देता है, जो कि हमें 50% वॉल्यूम से कम पे देता है। ये हमारे पास वॉल्यूम ब्रोकर है, जैसे हम की वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इसकी मैक्सिमम वॉल्यूम जाती है 40 तक, और जैसे कि आप चला सकते हैं 20 की वॉल्यूम पे, तो ये आपका 15 घंटे आराम से चलेगा। अगर आप इसको फुल पे यूज़ करते हैं, लगातार यूज़ करते हैं, और फिर भी ये 4 और 5 घंटे का फुल बैकअप दे देगा आराम से। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी फ्रंट लुक ये ऐसी है, और जैसे ही आप गाना इसको बजाएंगे इसमें ऐसे वैसे ये लाइट चेंज होती रहेगी, उसी हिसाब से जैसा आप गाना बजाएंगे, बेस के हिसाब से और ट्रेबल के हिसाब से इसमें लाइटिंग की चेंज होती रहती है। सकते हैं इस साइड पे हमें हैंडल दिए गए हैं ऐसे, उसको उठाने के लिए दोनों साइड पे, इस साइड पे और इस साइड पे, ये आप दोनों हाथ यहाँ से पकड़ कर उठा सकते हैं दोनों हाथ से। थोड़ा सा हैवी रहता है ये, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। पीछे आप देख सकते हैं सारी वार्निंग वगैरह लिखी हुई है, क्योंकि ये वाटरप्रूफ नहीं है, तो इसीलिए इस पर वार्निंग्स लिखी हुई हैं कि ये वाटर रेजिस्टेंस या वाटरप्रूफ नहीं है, इसमें मतलब रेन में हम यूज़ नहीं कर सकते, जहाँ किसी भी ऐसी जगह पे पूल साइड पे जहाँ पे पानी वाटर डैमेज होने का खतरा है, वहाँ पे हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। ये देख रहे हो आप, जैसे कि ये FM के लिए है, इसको बाहर निकाल कर सिग्नल अच्छा हो सकता है, ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा जहाँ पे ये प्लेस किया। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा स्ट्रोली स्पीकर है, यहाँ पे ये बटन दिया गया है, इसको प्रेस करके हम इसके हैंडल बाहर निकाल सकते हैं, और नीचे हमें व्हील दिए गए हैं, और इसके ये काफ़ी कन्वीनियंट रहता है, जहाँ पे सरफेस सीधा हो, प्लेन हो, तो हम इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, और बड़ा अच्छा पोर्टेबल रहता है। इसको शिमला माल रोड पे यूज़ किया था, तो हमने वहाँ पे वीडियो फुटेज भी बनाई थी, और हमने लोगों का रिएक्शन रिकॉर्ड किया था, और आप इस वीडियो में आगे इसको देख सकते हैं जो हमने रिकॉर्ड किया था। हिमाचल वाली, हिमाचल वाली, आया दिखी बाड़ी, कानक सार चल वाली, अपने हिमाला। रात 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 रात
तो अब हम बताते हैं आपको इसके कॉन्स। इसके वैसे ज़्यादा कॉन्स नहीं है, बट दो तीन हैं जो आपको पता होने चाहिए इसको खरीदने से पहले। एक तो है इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी कम है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी साइड्स घिस चुकी हैं, कि जैसे हम यूज़ करते हैं इसको स्ट्रॉली एज ए स्ट्रॉली यूज़ करते हैं, तो ये साइड्स जो हैं घिस चुकी हैं। और दूसरा ये कौन है, एक जो LG की ऐप आती है एक्स बूम, उसमें ये सिंक नहीं हो पाता। और इसका एक तो ये है कि बैटरी बैकअप नहीं पता चल पाता कि इसमें कितने परसेंट बैटरी रह चुकी है, अभी तक मुझे तो नहीं पता चल पाया। इसका यूज़र मैनुअल भी देखा था मैंने, बट जहाँ यूट्यूब पे वीडियोस भी देखी थी इसके बारे में, इसका बैटरी परसेंटेज पता नहीं चल पाया। किससे पता चलता है इसकी बैटरी परसेंटेज एग्जैक्ट में कितनी रह गई है। ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको BT पे जाना है, ब्लूटूथ मोड पे, और उसके बाद अपने फ़ोन में से ब्लूटूथ खोल के, यहाँ पे आप स्कैनिंग देख रहे हैं, अभी स्कैनिंग हो रहा है, अभी स्कैन हो जाएगा पेयर के लिए। ये देखो आप देख सकते हैं कि LG RL2 आ गया है, इसको हम को क्लिक करना है, टैप करना है, यहाँ पे पूछ रहा है कि पेयर विद RL2 एंड ओके कर देना इसको। तो अभी ये डिवाइस पेयर हो गया, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये देखो डिवाइस पेयर्ड है, कनेक्टेड है। और अब हम आपको बताएंगे इसकी साउंड क्वालिटी, कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, क्योंकि ये बेस्ट इन सेगमेंट है। मैंने 3-4 स्पीकर देखे थे, उसमें JBL का एक्स बूम था, और वॉइस क्वालिटी बताते हैं, जैसे कि मैंने गाना यहाँ पे प्ले कर रखा है, और ये देखिए आप इसकी वॉइस क्वालिटी। आप सुन नहीं सकते इसकी वॉइस क्वालिटी, अभी वॉल्यूम जो है 21 पे है, 20 पे कर देते हैं इसको, 20 पे इसका बैकअप बहुत अच्छा रहता है, आराम से 14 घंटे चल जाता है। और अब इसकी साउंड क्वालिटी हम दिखाते हैं, जो इफ़ेक्ट दिए गए हैं इसमें साउंड इफ़ेक्ट्स, ये देखो अभी ये है रॉक मोड पे, अभी ये चेंज हो गया जैज़ पे आप देख सकते हैं कि बेस कम हो गया, और ये स्टैंडर्ड है, जो स्टैंडर्ड वॉल्यूम है इसकी, ये बेस प्लस, अभी बेस बढ़ गई इसकी अचानक से 20 पे, ये अभी वॉल्यूम, ये पॉप म्यूजिक के लिए अच्छा रहता है, ये क्लासिक म्यूजिक के लिए ये बहुत अच्छा रहता है, इसकी इक्वलाइजर किया होता साउंड इसमें, ये रॉक मोड, मेरे को तो यही अच्छा लगता है, सबसे बढ़िया, इसमें बेस भी अच्छी रहती है और ट्रैप भी अच्छी रहती है। फुल वॉल्यूम करके बजाते हैं, तो अगर हम फुल वॉल्यूम करते हैं शायद आप हमें सुन ना पाए, तो म्यूजिक का लुक लीजिए। एक्चुअल में पता लगेगा जब भी आप इसको हेडफोन में सुनोगे या एयरफोन में सुनोगे, तो इसकी साउंड क्वालिटी अच्छे से जानने के लिए कि कैसी है, आप इसको एयरफोन में ज़रूर सुनिए, ऐसे आपको फ़ोन में इसका अच्छे से पता नहीं लग पाएगा। मैंने इस स्पीकर को लेना था, तो मैंने काफ़ी सारी ऑप्शन देखी 25,000 से लेके, और जबकि
ये 13,000 का है, और किसी बड़े स्पीकर में या महंगे स्पीकर में ऐसी क्वालिटी हमें कोई भी ऑफर नहीं कर रहा, तो ये बेस्ट लगा मेरे को। क्योंकि जो 20,000 वाले सोनी के स्पीकर आते हैं, JBL के स्पीकर आते हैं, उनसे भी सबसे अच्छा ये स्पीकर है। अगर आप जा रहे हैं, अगर आपको स्पीकर खरीदना है, एक बार कंपेयर ज़रूर करें, जिसमें भी आप है ये ज़रूर सुन के देखें, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।